आपके तेल बंद में से क्राइम टू डे मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद अवास क्राइम टू डे न्यूज हैदराबाद। SBI बैंक में आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद लंगोरस बाबूघाट ब्रांच में आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहां 10 बजे से बैंक स्टाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां का स्टाफ 11:30 बजे के वक्त बैंक आ रहा है। उसके बाद 1 या 2 घंटे काम करने के बाद लंच टाइम के लिए 2 या 3 घंटे के लिए आराम करने चले जा रहे हैं। लोग सुबह से अपने काम के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन वहां के स्टाफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब कोई शख्स वहाँ के स्टाफ से कुछ जाकर सवाल करता है तो वहाँ का स्टाफ उन लोगों के साथ बदतमीजी से बात करता है। वहाँ पर मौजूदा ज़ईफ लोग, ख़वातीन, वो लोग भी इस बात से परेशान है। अपने अपने काम छोड़कर तबीयत खराब रखकर भी बैंक आकर लाइन में खड़े हुए हैं, और उस बैंक में पीने के लिए पानी और बैठने के लिए चेयर्स भी मौजूद नहीं है। वहाँ की आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि उस बैंक के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करे और उस बैंक में पीने के लिए पानी और चेयर का भी इंतजाम करे। सैयद अरशद अली बाबा और मोहम्मद गौथ के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। बताओ पेपर्स बताइए, बोलिए। 7 दिन आके मेरे को यहाँ से लौट के जा रहे, मेरा आदमी नहीं है, उसका पैसा निकालने थे, PF पैसा तो जमा करना नहीं तो कल आना परसों आना मेरे को फिर आके रख दे रहे। कितने दिन से फिरा रहे आपको? हो गया 1 महीने से फिरा रहे। क्या बोल रहे लोग, अमाउंट नहीं है, बोल रहे क्या बोल रहे? बोलिए, टोकन बताइए, टोकन बताइए। ठहरी तो जमे नहीं कर रहे मेरे को, हम नहीं ले रहे। ठीक है, गरीब के लिए ये है भैया। कहाँ के रहने वाले आप? रांची, झारखंड रांची। अब अकाउंट खुला है इसमें? मेरा हस्बैंड की इंतकाल हो गया, बरकुंडा में ड्यूटी करते थे। यही बैंक में अकाउंट खुला है आप? यही बैंक में, बोले बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्तमारापुर ऑफिस में मेरे को अकाउंट खुला है, तो जमा करने पर तब पैसा निकलेगा। अभी तक आपको नहीं दिए? नहीं नहीं। कितने टाइम से फिर रहे आप? 1 महीने से फिर, आज आना कल आना 4 दिन के बाद आना, बोले कुछ भी नहीं कर रहे, ना फॉर्म ले रहे, कैसे करना, एक बच्ची है स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से छूट के दिन खाने पीने यहाँ पी रखा हो, कुछ भी नहीं बोल रहे, जाके सर से फॉर्म दे रहे, तो 4 दिन के बाद आना, बोले कितने फिरना, एक बच्ची है, मैं पैसा करके रह रही, क्या मजे नहीं रह रही, ना कुछ भी नहीं समझ रही, गाँव चले जाएंगे पैसे निकले तो सोच के ये गाँव भी, लेकिन नहीं ना कुछ भी समझ रहे, जमा हो रहा कि नहीं हो रहा है, 7 दिन हुआ मेरे को यहाँ आके। 7 दिन से फिर रहे आप लोग? 7 दिन आके बैंक से लौट के चले जा रहे, फॉर्म भी नहीं ले रहे। देख लो पेपर, नंबर से पुकारते जाओ, नहीं अभी नहीं आया नंबर, जाओ कितनी देर, 2 घंटे हो गए साहब बैठ के, नंबर दे दिए दूसरे नंबर वालों को, दे रहे मेरे को। कितनी देर से आप इंतजार देख रहे बैंक में? 2 घंटे से देख रही। आपका नंबर अभी नहीं आया? जी नहीं आया सर, हार्ट के पेशेंट हूँ सर, मेरे को चलना कितना मुश्किल है, मेरे को पैरों में दर्द है, चलने के लिए नहीं आता मेरे को, मतलब इसकी वजह क्या है? लोगों के पास बैलेंस नहीं रहने की वजह से कर रहे हैं, या मतलब वो लोग काउंटर छोड़ के कहीं मतलब बैठे हुए? वही तो, सिर्फ 2 ही काउंटर पे काम, 2 या 3 ही के अलावा झिड़कियां दे देते, बातें कर देते, ऐसा अभी कर रहे ना हम लोग, जो ऐसा बोल के बोलो। मैनेजर का नाम मालूम आपको? वो मालूम है तो हमारे भी जाके बताइए, भाई साहब हमारे अम्मी 2 बजे से बैठे हुए, अभी तक के नंबर नहीं आया, पानी तो भी इंतजार नहीं कर रहा, पानी नहीं है, कोई चीज का इंतजाम नहीं। पैसा निकालना बोले तो 3 घंटे से यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पानी का कोई फैसिलिटी नहीं है, AC की स्पीड बनाओ बोले तो 3-4 बार AC की स्पीड बनाओ बोले तो कुछ भी नहीं छोड़े, यहाँ गेट खुला हुआ है, गर्मी है अंदर होने है, मैनेजर AC में फर्स्ट क्लास स्पीड बढ़ा लेके बैठा हुआ, यहाँ AC की स्पीड बढ़ाओ बोले तो वो भी नहीं छोड़े, ये 1 दिन का नहीं है, हमेशा का ये गिरगिरी है, सुबह 10:30 का टाइम नहीं है, 11:30 बजे तक यहाँ पे स्टाफ नहीं आता, मैनेजर को बोलने जाओ तो बोले नहीं आए स्टाफ, तो हमारी ही गलती है, अब बोलना तो किसको बोलना, मैनेजर भी नहीं सुनता,
कोई भी नहीं है यहाँ पे, बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं है, पानी भी इंतजार भी नहीं है, बैठने की इंतजार। कितनी देर से परेशान है? क्या प्रॉब्लम है? हमें आके एक कंट हुआ, दो जनों को दे रहे खाली, दो जनों को दे रहे, पीने के पानी का फैसिलिटी भी नहीं है यहाँ पर, हम मंदिर भी नहीं है। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।